Thank you. Thank you. Thank you. बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, कैसा लग रहा है बच्चों? बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है मिस्टी आपको भी? सीरियसली मजा इतना आ रहा है, मजा तो बहुत मजा तो आ रहा है। चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक से लेके वड़ा पाव दबेली पानी पूरी सेव पूरी सैंडविच हैं, सब तरह के वेज चीज पिज्जा सब है यहाँ पे। देखिए हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आपके प्यार और सपोर्ट से मेरे यूट्यूब चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, जो आपके कारण ही पॉसिबल हुआ है। ये जो है दोस्तों 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने की खुशी में हम लोग आज जा रहे हैं सूरत के सधाणा जू, जिसको सधाणा नेचर पार्क भी कहते हैं। दोस्तों वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे वन्य जीव हैं, बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी है वहाँ वन्य जीव की, और मेन वहाँ पे मेन अट्रैक्शन जो है वाइट टाइगर। वाइट टाइगर आपको दिखाएंगे, तो फिर चलते हैं जू। सधाणा नेचर पार्क हमारे घर से जहाँ हम रहते हैं 17 किलोमीटर है, और सूरत रेलवे स्टेशन से ये 8 किलोमीटर। आज क्या है, थोड़ा मौसम थोड़ा बेईमान लग रहा है, बस भगवान करे बारिश ना आए, क्योंकि बारिश आ गई तो फिर मज़ा नहीं आएगा जो है जू में जाने का, और जो एनिमल हैं वो भी थोड़ा इधर उधर बैठ जाएंगे बारिश में। आपको दिखाता हूँ सामने का है ना मस्त सूरत भाई, डायमंड नगरी है। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बार बार पूछ रहे हैं कब आएगा कब आएगा। अभी बिल्कुल सामने ही है, आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ भी काफ़ी अच्छे मॉल बन गए हैं इस तरफ जो है। देखिए ये जो सीधी रोड जा रही है ना, डायरेक्ट सीधी रोड जा रही है मुंबई दिल्ली हाईवे जो है, ठीक है। जो इसके पीछे हम बैक जा रही है रोड जो है वो जा रही है सूरत रेलवे स्टेशन की तरफ, जो मैंने आपको बताया 8 किलोमीटर है, और यहाँ लेफ्ट पे ही सधाणा जो है नेचर पार्क है। बस अभी पहुँच ही गए लगभग। ये देखिए सामने दिख रहा है जू का गेट, हम यहाँ पार्किंग ढूंढते हैं, पहले गाड़ी पार्क करते हैं फिर चलते हैं। टिकट तो हमने क्या ऑनलाइन कर ली थी, गाड़ी होगी हमारी पार्क। कोरोना के बाद इन्होंने क्या है टिकटें बंद कर दी थी यहाँ पे, तो ऑनलाइन कर दिया था, पर मैं यहाँ के मैंने तो ऑनलाइन टिकट ही की है, और अभी यहाँ के देख रहा हूँ यहाँ पे लाइन में भी टिकट मिल रही है। प्राइस लिखी हुई देख चेक कर लीजिए आप जो है। सधाणा नेचर पार्क, ठीक है, इसका नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जू सूरत। और ये देखिए हमारी फैमिली, सब लोग हम जा रहे हैं जू घूमने जो है, और हमारी पार्टी भी है आपको बताया 1K की, मेरा जो सब्सक्राइबर हो गए हैं। मजा करेंगे फिर। इसकी एंट्री है, देखिए वाइट टाइगर उन्होंने बाहर ही दिखा रखा है, ऑटर्स भी दिखाए हुए हैं, बाकी बहुत सारे इन्होंने जो वन्य जीव दिखाए हुए हैं, बाकी आपको अंदर चल के लाइव दिखाएंगे, मज़ा आए बहुत मज़ा आएगा। हो गई है जू में, आपको दिखाते हैं, बहुत ही प्यारा वेदर है, हालांकि गर्मी है पर टेम्परेचर 32 के लगभग है, क्योंकि अभी जुलाई का महीना है, मानसून चल रहा है। और आपको दिखाता हूँ मैं बाहर का कहाँ से कैसे एंट्री होती है, ठीक है। आए हैं, ठीक है, ये अपने यहाँ से जाने का रास्ता है, ठीक है, और एग्ज़िट होगा इधर से, इधर से हम रिटर्न आएंगे, ठीक है। बटरफ्लाई पार्क भी इधर ही है और रिटर्न में ही आएगा, और स्टार्टिंग में यहाँ पर एक खाने पीने का स्टॉल है बहुत सारे जो है, आप कुछ खा भी सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए स्टार्टिंग में पहले आएंगी डक्स यहाँ पे, मुझे डर था बारिश ना आ जाए पर वैसा नहीं हुआ जो है। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है यहाँ पे कोई भी आते हैं प्लीज़ यहाँ पे इनको फीड कुछ भी ना दें जो है, चिप्स वगैरह ये गलत है इनको कुछ देना, इनको यहाँ फिश मिलती है सब खाने में। ये डक्स देख लिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। 2.5 किलोमीटर का एरिया कवर करता है ये वाला जो है जू का, 2.5 किलोमीटर में चलना पड़ेगा यहाँ पे। मौसम चल रहा है धूप छाँव का, और कितना प्यारा टर्टल बैठा है यहाँ पे, टर्टोइस डक के साथ ही बैठा है आराम से। ये देखिए जूम करके देख रहा हूँ, ऊपर से कैसे क्रैक हुई पड़ी है बॉडी इसकी।
एंड तक देखना जरूर, छोड़ना मत। जो है पूरा जू दिखाऊंगा आपको, कौन कौन से यहाँ पे वन्य जीव रहते हैं सब दिखाऊंगा। पूरा बैम्बू है ये, कितना प्यारा लग रहा है बैम्बू से, एकदम हरियाली से, और यहाँ सफ़ेदे लगे हुए हैं यहाँ पे पूरे। काफ़ी मछलियों की स्मेल आ रही है यहाँ पे। ऑटर्स देखने को मिलेंगे, ऑटर्स ऊद बिलाव, पर ये खाली पड़ा यार बिल्कुल ही। ऑटर्स तो यहाँ पे देखने को नहीं मिले, बिल्कुल भी नहीं मिले। शायद ये देखिए, ये ऑटर्स का फोटो लगा हुआ है यहाँ पे, शायद वो जो बिल बनाते हैं मिट्टी के उसमें होंगे शायद। आगे चलते हैं। यहाँ जो ऑटर्स थे वो कहाँ चले गए? ऊद बिलाव खाना। अच्छा अच्छा, तभी दिख नहीं रहे हैं ना यहाँ पे देखो। अच्छा मछली ऑटर्स के सामने यहाँ पे मंकीज का बनाया हुआ है मकैक, ये देखिए यहाँ बंदर घूम रहे हैं सब पानी। अभी आगे चलते हैं, ये देखिए दूसरा पीछे बैठा है दीवार के पास, एक ये दो दोस्तों पीछे बैठे हैं, ये देखिए घूम रहे हैं ये। बल्कि सामने ही यहाँ पे पेंटेड स्ट्रॉक, ये देखिए बहुत बड़ी नेट लगा रखी है, क्लियर दिख नहीं रहे जो है। स्पून बिल बहुत सारे हैं यहाँ पे। अभी इसके बाद आगे चलते हैं, मुझे लग रहा है हाइना का है ये स्पेस, जो है हाइना की है। कितने क्रो बैठे हैं यहाँ पे, हाइना। हाय हेलो, पूछना लग गया यार ये हाइना, ये देख लेपर्ड वो बैठे हैं सामने ही। बहुत मेरा तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है लेपर्ड, मजूम कर आराम से बैठा है। एक इधर बैठा है, अभी देख कैसे धूप थी, अभी देख छाँव हो गई हैं, पहले आराम से सस्ता रहे थे। लेपर्ड का पूरा केज बना हुआ है, केज में है अभी। इसके बिल्कुल बाजू में ही वाइट टाइगर, जो मेन यहाँ का अट्रैक्शन है। वाइट आराम कर रहे हैं, सुस्ता रहे हैं धूप में, बहुत ही बिग साइज के हैं दोनों जो है। एक आराम कर रहे हैं, फुल मस्ती हो रही है फुल। ये देखो दांत कितने बड़े बड़े हैं, धूप में तो बिल्कुल भी नहीं आएगा ना इस टाइम, गर्मी बहुत है। देख ना कैसे लड़का चला गया, कितना क्लोज, कितना गलत तरीका यार ये, देख ना ये देख कैसे कर रहा है लड़का, और एक बात कर रहा है फोन पे ना उसके सामने, देखा आपने ये देखो तरीके लोगों के यार, यहाँ पे देखा ना वो मेरे में दिख रहा है, आता है यार जो है परेशान करना। उधर कैसे हो रहा है, वाओ एक बार उसको मौका मिल जाए। लोग ये कह रहे हैं इधर ही केक कट कर लेते हैं, 1000 सब्सक्राइबर जो अपने हुए हैं उसका, सामने वाइट टाइगर बैठे हैं, अच्छी अच्छी मोमेंट और कौन सी होगी जो हमारे लिए, तो अभी केक काटते हैं इधर ही। यूट्यूब 1K सब्सक्राइबर ट्रैवलिंग मास्टर सुनील, सामने वाइट टाइगर सूरज जू, ये कट करेंगे अभी केक जो है फैमिली के साथ। थैंक यू जल्दी से 10K करो, 10,000 पे फिर जल्दी 100K। ओहो थैंक यू 100K भी हो जाएंगे, बस सबका साथ चाहिए YouTube पे जो है। थैंक यू देने को थैंक यू।
इसी तरह आप सब्सक्राइब करते। थैंक यू। ओए वाओ, लाइक हिट लाइक केक बहुत ही यम्मी था। देखो केक का क्या हाल हुआ, एक मिनट में ही फिनिश। केक बनाया हमारे लक्षिता ने, लक्षिता बत्रा। इनका जो इंस्टाग्राम पे पेज है इसको आप फॉलो करना, उस पर मैं लिंक डाल दूंगा। जो है नाम क्या है, लक्षिता बत्रा द केक स्पॉट, ठीक है आपने इसको फॉलो करना है। वाइट टाइगर भी देख लिया, केक भी कट हो गया, पार्टी शार्टी हो गई। ये देखिए मेरे पीछे ही बैठे हैं वाइट टाइगर, और अभी आगे चलते हैं। टाइगर देखने के बाद हम जा रहे हैं अभी बंगाल टाइगर देखने। बंगाल टाइगर ये देखिए, टाइगर बंगाल टाइगर ये देखिए, वो घूम रहा है सामने। अभी कैसे छांव हो गई है, मैं झूम करके दिखाता हूँ। देख कितना बड़ा है भाई, तो वाइट टाइगर से बड़ा। अंदर से आवाजें भी आ रही है ना जू के अंदर से। ये है अट्रैक्शन, देख भाई कितना जोरदार मेल लग रहा है, मेल है ये। वाओ, आवाज़ें आ रही हैं सामने से, एक और भी होगी फीमेल वगैरह कुछ होगी अंदर जो है। पर ये देखिए इसको देख के तो बहुत मज़ा आ गया, कैसे ये जंगल में राज करता है। ये देखिए मेन अट्रैक्शन देखो यहाँ का, बंगाल टाइगर। अंदर ये बाहर नहीं आई है वो जो है। देखो यहाँ पे क्या ग्रिलों को पेंट हो रहा है ग्रीन कलर का, और ग्रीन कलर इसकी बॉडी पे लग गया जो है, क्योंकि तो ग्रिल के साथ साथ चल रहा है ना ये। भाई बहुत बड़ा बिग साइज है यार ये तो। अभी गर्मी लगेगी, पानी में जाएगा देखना। अब इसको लगी गर्मी, अभी जाएगा पानी के अंदर, अब बैठ जाएगा इसको जाके। चलो भाई, टाइगर के बाद यहाँ पे लाइन होना चाहिए। देखिए एशियाटिक लाइन, ये गिर नेशनल पार्क के ही है। अगला हमारा टारगेट जब फॉरेस्ट खुलेंगे हम गिर नेशनल पार्क ही जाने वाले हैं। इसने क्या है, यहाँ बच्चे दे रखे हैं, पेपर में भी आया था न्यूज़पेपर में यहाँ के सूरत के, कि यहाँ पे लायनेस ने 3 बच्चों को जन्म दिया है, तो इसलिए वो बाहर नहीं आ रही है, तो हमें आज लायन को देखे बिना ही जाना पड़ेगा। ब्लैक बियर है ये देखिए, एशियाटिक बियर के बाद भी उस तरफ भी रीच हैं। पर ये बहुत प्यारे हैं, बहुत ही सुंदर हैं, ये बोले ग्रिफली बियर जैसे हैं। अभी यहाँ पे जो बियर है वो चल रहा है, यहाँ पे थोड़ी मूवमेंट है उसमें। स्लोथ बियर इसका भी अच्छा बनाया हुआ पूरा एरिया जो है। बारिश के कारण यहाँ काफ़ी अच्छी ग्रीनरी हो गई है। इतना पास है देखना, बिल्कुल ये 10-12-15 फीट होगा ना, 12-15 फीट। दो इधर दिख रहे हैं, ठीक है दो इधर वहाँ बैठे हैं, आराम से सो रहा है। तो ये सेटअप है आइसक्रीम का, साथ साथ चल रही है आइसक्रीम जो है। अभी यहाँ आपको दिखाते हैं क्रोकोडाइल, देखा यहाँ पे फर्श बहुत गर्म है ना धूप के कारण। छोटे वाला भी गया, और देखिए इधर बैठे हैं बड़े बड़े बैठे हैं, एक मगर है दूसरा घड़ियाल, दोनों हैं यहाँ पे। मगरमच्छ तो बहुत ज्यादा है, आगे चलते हैं। ये देखो मार्श क्रोकोडाइल, मगर वो बैठा मार्श एकदम टिल, चट्टान की तरह पड़े हैं। देखो ये पीछे देखो, ये देखिए कुछ खाना हो तो चिप्स वगैरह
पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब मिल जाएगा इधर जो है, पानी पीना हो। ये इमू है, इमू इमू बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है जू, एकदम नेचुरल फीलिंग भी आती है जो फॉरेस्ट की, बहुत मज़ेदार है। हिप्पो पानी में जा रहा है, उससे पहले उसकी वीडियो बना लें तो अच्छा है। वो गया 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 दरियाई घोड़ा हिप्पो पटाऊ ये एक जानवर ऐसा है जो मगरमच्छ से नहीं डरता। हिप्पो के लिए हमें यहाँ 15-20 मिनट वेट करनी पड़ी है तभी ये बाहर आए हैं। अब देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है इनका बाहर का। अब ये ग्रास खा रहे हैं जो इनका चारा है, यहाँ पे खाना है। हिप्पो एलिफेंट के बाद हिप्पो और रहनो दोनों ही बड़े जानवर हैं धरती पे। हिप्पो भी देख लिया, इसके बाद चलते हैं नील गाय सांभर देखने। नील गाय सांभर जी हैं नील गाय के पास। ये देखिए ये नील गाय है, इसको देखने के लिए मैं स्पेशल देहरादून हरिद्वार गया था मोहन। ये फीमेल ही है, जगह बहुत बड़ी है। जंगल में तो बहुत हट्टे खट्टे होते हैं ना, कितने वीक हैं, तो उनके तो हड्डियां दिख रही हैं। मेरा मानना यह है कुछ टाइम बाद इनको छोड़ना चाहिए जो है जंगलों में, सारी जिंदगी इनको यहाँ नहीं रखना चाहिए। क्या बोलते हो भाई? सच में है ना, घूमने का काम कर रहे हैं, उनको फ्राइज खिला रहे हैं। देखो फ्रेंड्स वो देखिए, ये लो ये धर्म का काम हो गया। गौशाला में जाना चाहिए ऐसे लोगों को, क्यों यहाँ नहीं आना चाहिए? मना है भाई, मना है, हम नहीं देंगे तेरे कुछ भी। अच्छा हमसे मत कुछ एक्सपेक्टेशन रख, तुमको दे देंगे। लेपर्ड, टाइगर, लायन दिखा, बियर दिखा, लायनस ने क्या है यहाँ बच्चे दे रखे हैं। न्यूज़ में भी आया था यहाँ की लोकल, तीन बच्चे दिए हैं कब जो हैं, तो अभी लायनस बाहर नहीं आ रही जो है। बाकी अभी हिप्पो भी दिखा आपने, दिखाया आपको जो है, इसके बाद आपको नील गाय भी दिखाई। अभी देखते हैं सांभर और डियर जो हैं यहाँ पे। इधर से ही हम होके आए थे पूरा राउंड, वहाँ पे भी रीच दिख रहा है वो, देखिए वहाँ पे स्लॉट बियर पूरा घूम के आए हैं वहाँ से हम यहाँ पे ऐसे। अभी यहाँ पे हमने नील गाय देखी थी, अभी यहाँ देखिए, इसके बाद ये आगे ब्लैक बक, इन्हें प्यारे लग रहे हैं, ये हमको ही देख रहे हैं। इनको भी ऐसा फीड करेंगे पर हमको देने वाले हैं नहीं, आपको बताइए। बिल्कुल सामने सांभर डियर, लार्जेस्ट इंडियन वन कलर डियर। कोयल कितने अच्छा बोल रही है, बढ़िया कोयल बोल रही है, एकदम मस्त। उसे आगे चलते हैं, ब्लैक बक वाइट एल्बिनो। ये बहुत एक्साइटेड थे, कैसा लग रहा है बच्चों? अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है मिस्टी आपको भी? सीरियसली मजा इतना आ रहा है, मजा तो बहुत मजा तो आ रहा है ना, ग्रीनरी है ना एकदम। अभी यहाँ पे हमें 2-2.5 घंटे हो गए हैं यहाँ पे चलते चलते, 2.5-3 किलोमीटर भी चल ली है जो है। अच्छा एक्सपीरियंस है जू का जो है। ये देखो यहाँ पे जू फुल रहता है, ऑनलाइन में तो बिल्कुल स्लॉट खत्म ही हो गया था बुकिंग का जो है। काफी अच्छी पब्लिक यहाँ आती है रोज, 8-10 हज़ार लोग डेली यहाँ पे आते ही हैं जू में जो है। बच्चों को भी थोड़ा नॉलेज होती है यहाँ। बच्चे हैं ऑस्ट्रिच, शाम मृग लिखा हुआ है। शुतुरमुर्ग का खाने का टाइम हो गया, 4:30 हो गए हैं, हम अभी बहुत लेट हैं, 5 बजे बंद हो जाएगा जू। ये चलें आगे चलें,
और सेक्शन शुरू हो गया बर्ड, यहाँ से पीकॉक, पैरट, पिजन सब ये दिखेंगे अपने को जो है। वाओ पीकॉक कितना अच्छा बोल रहा है यहाँ पे, वाइट पीकॉक देखना, वाइट पीकॉक कितने पास में है, ये अपना आ गया पीकॉक, इंडियन पीकॉक, हमारा राष्ट्रीय पक्षी हमारा इंडिया का। इतना बड़ा पैरट बैठा है पीछे। यहाँ पे आगे है बटरफ्लाई पार्क और कैंटीन, कैंटीन के सामने हमारा एग्जिट है। बटरफ्लाई की हमने क्या टिकट नहीं ली, उसका 20 रुपीज़ चार्ज है अंदर जाने का, हमने वहाँ नहीं, बटरफ्लाई पार्क का हमने नहीं लिया जो है टिकट। ये यहाँ का है बटरफ्लाई एंड इंसेक्ट्स किंगडम, ये अभी क्या क्लोज हो गया, अभी हम लेट हो गए इसलिए ये बंद हो गया जो है। आपको आना हो तो आ सकते हैं, 5 बजे से पहले यहाँ आने देंगे आपको। ये आज का हमारा, आपने देख लिया सूरत का जू कैसा है जो है, आपको यहाँ फ्यूचर में आने के लिए हमारी वीडियो काम आएगी, जब भी आएँ यहाँ पर नेचर का मज़ा ले सकते हैं। सब थक गए हैं, सबको एनर्जी ड्रिंक चाहिए अभी। ये यहाँ का कैंटीन एरिया है, मैंने यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक ना लेते हुए मैंने यहाँ पे गन्ने का रस लिया जो है। कैंटीन में बहुत कुछ मिलता है यहाँ खाने को, मैं दिखाता हूँ आपको, वो भी गन्ने का रस। ये यहाँ की कैंटीन है, यहाँ देख लो आपको क्या क्या मिलेगा खाने को, चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक से लेके वड़ा पाव, दबेली, पानी पूरी, सेव पूरी, सैंडविच हैं सब तरह के, वेज चीज, पिज़्ज़ा सब है यहाँ पे, देखिए कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम सब कुछ है यहाँ पे, कोल्ड ड्रिंक, चीज, बिस्किट सब मिल जाएगा यहाँ पे आपको। ये यहाँ की कैंटीन है, ये था आज का व्लॉग, मैंने आपको आज सूरत का जू दिखा दिया जो है, और यहाँ पे कौन कौन से एनिमल है मैंने वो आपको दिखा दिए। आपको वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, हम आपके वेट कर रहे हैं जो है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नए व्लॉग में, बाय बाय।